कह रहे हैं पानी की व्यवस्था, और इसी वजह से देखा भी जाता है कि हर जगह पानी की व्यवस्था होती है और लोग भी कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर हम पानी की व्यवस्था करें। हमारे साथ जयपाल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक डाइटिशियन जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर इंदु सैनी जी चीफ डाइटिशियन है, बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि एक तो गर्मी है और ऐसे में लोग अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखें जिससे कि इस गर्मी से थोड़ा सा राहत मिले और वो ठीक भी रखें अपनी तबीयत को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम लोग क्या है कि अपने डाइट में आजकल चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जूसेस पे या फिर पीने के पानी पे डिपेंड हो गए हैं। गर्मी के हिसाब से हमें अपने डाइट को भी चेंज करना है, जैसे कि लोगों को अपना खान पान शुरू से ही चेंज करना है। जैसे कि लोग शाम के टाइम डीप फ्राइड आइटम्स हैं, बाहर फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके ज्यादा खा रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए ये नहीं कि आप गर्मी में बाहर निकल रहे हो तभी आप जूस पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं। आप अपने डाइट को में से डीप फ्राइड जो आइटम्स हैं, आउटसाइड में आप जो खा रहे हैं, उन चीजों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम ऐसा है कि इसमें आपने अगर कुछ भी इन्फेक्टेड है तो इजिली आपको डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है जी। तो लोगों को हल्का खाना लेना चाहिए। पीने के पानी की मात्रा को हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग है। जब भी आपको प्यास लगे पानी पीते रहना चाहिए। बाहर जब आप ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ में ओआरएस का पाउच या नींबू नमक के शैशे अपने साथ में लेके जाना चाहिए, पानी की बॉटल अपने साथ में रखनी चाहिए। जब भी सफर करें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, और जहां पे भी आपको जूसेस वगैरह लेते हैं तो कोशिश कीजिए फ्रेश जूसेस ही आप प्रेफर करें। जैसे कि आजकल रोड साइड पे हम देखते हैं कि सैलेड कटा हुआ या फ्रूट्स कटे हुए ले रहे हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें क्योंकि वो इन्फेक्टेड होती है और इजिली आप डायरिया या वॉमिटिंग की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जरा जयपाल का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ बने हुए। जयपाल, वहां क्या तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि जो मैं तस्वीर देख रही हूँ पीछे काफी लोग हैं जो गर्मी से राहत मिलने के लिए कहीं लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या तस्वीरें हैं जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए बनारस का तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में लू चलने की भी आज संभावना जताई गई है, और गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम वो लोग लस्सी की दुकानों पर जुट रहे हैं, और ये जो लस्सी की खुशबू है वो अनायास ही लोगों को आकर्षित कर रही है। लेकिन धर्म और अध्यात्म की नगरी है काशी विश्वनाथ धाम की आपको बात बता दें, काशी विश्वनाथ धाम में जर्मन हैंगर तकनीक के जरिए एक पूरा टेंट लगाया गया है और उसमें वो स्प्रे करते हुए पंखे लगाए गए ताकि दर्शनार्थियों को ठंडी ठंडी हवा मिले। और दूसरी तरफ देखिए मंदिरों में इस वक्त पंखे लगा दिए गए, यानी भगवान को भी इस वक्त गर्मी से राहत पाने के लिए हवा की जरूरत है और ऐसे में यहाँ पर पंखे लगाए गए। दूसरी तरफ आप चलते हैं लस्सी की दुकान पर, उन लोगों से बातचीत करते हैं। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है क्या भैया, हम क्या बताएं, गर्मी ज्यादा बढ़ गई है जी सर। और लस्सी कितना मजा दे रहा है? लस्सी गर्मी में बहुत मजा दे रहा है। बताइए, आपने अलग से बर्फ भी डलवाया इसमें? जी हाँ, बर्फ भी डलवाया। ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। एक बार आपको लस्सी दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लस्सी बनाई जा रही है और इस मिट्टी के पात्र में देखिए किस तरीके से यहाँ पर लस्सी डाली जा रही है। ये अपने आप में जो खुशबू है, इसमें गुलाब जल भी बकायदा ये डालते हैं, और जो गुलाब जल की ठंडक है और लस्सी की ठंडक है वो लोगों को आकर्षित कर रही है। आपसे जानना चाहते हैं किस कदर लस्सी पीने लोग आ रहे हैं यहाँ पर गर्मी? यहाँ तो अभी बहुत भीड़ लगता है, अभी कस्टमर भीड़ लगती है। ये बताइए चाचा, लस्सी पीने आए? गर्मी ज्यादा बढ़ गई है जी, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं क्या लस्सी पीने? आप बताएं, गर्मी में लस्सी का सेवन ज्यादा हो रहा है? हाँ सर। कितने लोग आ रहे हैं दिन में, कितने लोग आ रहे हैं? आज आ रहे हैं, गिनती हम लोग क्या करते हैं। आज आ रहे हैं, अभी लस्सी फिर से बनाने जा रहे हैं। देखिए लगातार जो यहाँ पर लस्सी बनाने का सिलसिला है वो भी जारी है और लोग लस्सी पीने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और काशी की लस्सी अगर आप नहीं पिए तो समझिए कि कुछ चीजें आप मिस कर रहे हैं, और गर्मी का मौसम है और लस्सी मिल रही है तो क्या बिल्कुल सही बात है। गर्मी से कैसे भी निजात मिले जिसके लिए लोग लस्सी पी रहे हैं, और यही वहां से तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे साथ डॉक्टर इंदु जी बनी हुई है। डॉक्टर इंदु, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप हम देखते हैं जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है हम अचानक से ठंडी चीजों की ओर रुख करते हैं और तुरंत कि लोग लस्सी पी रहे हैं, कहीं कोई जूस पी रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम गर्मी से एकदम ठंडी जगह पर एसी वाली जगह पर आ जाते हैं, तो ऐसे में आप इन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या ये सही है कि तुरंत लस्सी का सेवन कर लेना या कोई भी ठंडी चीजों का सेवन करना इस गर्मी में? नहीं, इसमें बहुत ध्यान देने
तो चलिए लौटेंगे डॉक्टर इंदु के पास, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है, हम जरा रुक कर लेते हैं विशाल का। विशाल, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, जाहिर सी बात है अब आने वाले दिनों में कुछ इंतजाम भी किए जाएंगे, जगह जगह जो पेय पदार्थों की बात की जाती है, पानी पिलाने की बात की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कैसे अपने आप को कैसे बचाव रखना है, इसका ख्याल भी लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस गर्मी में कैसे बचाव करना है, ये लोगों को जो है खुद जो है थोड़ा सा अपने आप को सजग रखना पड़ेगा, क्योंकि लू की वजह से तमाम जो लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ। खास बात ये है कि जो गर्मी है इसका सबसे बड़ा कारण ये ही है कि जो मौसम ने जो करवट ली है और जो जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके अनुसार अगले जो है 48 घंटे तक कुछ इसी तरह का माहौल रहेगा। और आप देख ही सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो गन्ने का जो जूस है वो पी रहे हैं, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा तमाम कि इस पूरी गर्मी में अचानक से धूप से आकर तुरंत जो है इस तरह के जूस अगर पिएंगे तब भी उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे में इस बात का विशेष जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग हैं उनसे बात भी करते हैं। भैया कितनी गर्मी लग रही है? गर्मी बहुत है। जूस पी के आराम मिल जाएगा? देख रहे हैं जूस पी रहे हैं, प्यास तो बुझानी है। अच्छा ये आप लोग बताइए कि तुरंत जैसे गर्मी से आते हैं तुरंत जूस पीते हैं तो इससे भी तो तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा थोड़ा रुकते हैं कि नहीं रुकते? नहीं रुकते, पीते हैं। देखिए ये तमाम जो लोग हैं जो लोग जूस पीने आते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुरंत गर्मी से धूप से आकर तुरंत जो है ना तो एसी की हवा में जाके बैठे ना ही जो है तुरंत जो है ठंडा ठंडा जूस पिए ताकि उनकी जो तबीयत है वो ना बिगड़े, क्योंकि अचानक से गर्मी से सर्दी में आने में भी जो है थोड़ा सा जो है मुश्किलें होती हैं। तो फिलहाल कोशिश ये रहनी चाहिए कि लोगों को इस बात का प्रेरणा भी लेना चाहिए कि इस तरह गर्मी जब पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल, गर्मी का सितम आगे भी ऐसा ही बढ़ने वाला है, ऐसे में ख्याल रखने की जरूरत है। आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारियां और वहां की तस्वीर बताने के लिए।